हेलो ट्वेल्थ क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। तो एक बार फिर से मैं आप सभी ज्योग्राफी के बच्चों का ऑनलाइन ज्योग्राफी क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग ज्योग्राफी फर्स्ट बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है ना, उसका फोर्थ लेसन शुरू करेंगे। ये नया टॉपिक है आपका, और टॉपिक का नाम क्या है? मानव विकास भाग एक। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि मानव विकास में विकास और वृद्धि क्या होता है, ठीक है? तो मानव समाज की प्रगति, उसकी वृद्धि एवं विकास की प्रक्रियाओं से क्या होती है बच्चों? संबंधित होती है ना। इनके बिना कोई भी मानव समाज प्रगति नहीं कर सकता। किनके बिना? वृद्धि और विकास के बिना कोई भी मानव समाज प्रगति नहीं कर सकता। आदिकाल से लेकर वर्तमान तक मानव ने जो प्रगति की है वो वृद्धि एवं विकास के कारण ही संभव हो पाई है ना। तो सामान्य अर्थों में हम वृद्धि व विकास को एक ही समझते हैं, है ना। प्रायः हम लोग वृद्धि और विकास का अर्थ एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हुए भी अलग अलग वस्तु स्थितियां हैं। दोनों अलग हैं, ठीक है। अब आप ही अपने आप से समझ सकते हो, अपना उदाहरण ले सकते हो कि आप पहले बच्चे थे, फिर बच्चे से बड़े हुए, है ना। आपके शरीर वृद्धि हुई और विकास भी आप साथ साथ कर रहे हो। पहले आप छोटी क्लास में थे, फिर उससे बड़ी क्लास में आए, आज इंटर क्लास में हो। तो वृद्धि और विकास के साथ साथ आप प्रगति भी करते जा रहे हो, ठीक है। तो समझ में आया कि वृद्धि विकास दोनों क्या हैं बच्चों? एक दूसरे संबंधित होते हुए भी अलग अलग स्थितियां हैं। अब चलते हैं वृद्धि किसको कहते हैं। तो वृद्धि जो है वो मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होता है। ये धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। धनात्मक मतलब इसमें वृद्धि होती है और ऋणात्मक मतलब इसमें ह्रास यानी कमी भी आ सकती है, ठीक है। विकास क्या है? विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन जो मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ है कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। विकास तभी होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक क्या होता है? परिवर्तन होता है। गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन मतलब जब वर्तमान दशाओं की गुणवत्ता में क्या होता है? सकारात्मक बदलाव होता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। इसको एक उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं बच्चों। मान लीजिए किसी एक निश्चित समय अवधि में किसी नगर की जनसंख्या जो पहले क्या थी? 1 लाख थी, वो बढ़कर कितनी हो जाती है? 2 लाख, है ना। तो नगर की जनसंख्या 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नगरीय जनसंख्या वृद्धि कहा जाएगा, है ना। उसको हम विकास नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? नगरीय जनसंख्या वृद्धि कहा जाएगा, है ना। क्यों इसको विकास नहीं कहेंगे? विकास तब हम कहेंगे इसको जब जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में यदि वहाँ आवासीय सुविधा, मूलभूत सुविधाएं और जो अन्य सुविधाएं हैं या विशेषताएं हैं उनमें वृद्धि होगी तब हम उसको विकास कहेंगे। अगर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनमें कोई वृद्धि नहीं होती है, जैसा जनसंख्या बढ़ गई लेकिन बाकी चीज़ों में वृद्धि नहीं हुई, तो वो विकास नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो विकास के लिए ज़रूरी है कि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जो बाकी मूलभूत सुविधाएं उनमें भी क्या हो? वृद्धि हो, तभी उस नगर का क्या होगा? विकास होगा, तभी हम उसको विकास कहेंगे। अब चलते हैं वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो वृद्धि क्या है बच्चों? ये हम लोगों ने देख ही लिया। तो वृद्धि एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है, यानी इसमें वृद्धि भी संभव है और इसमें ह्रास भी होता है, ठीक है। वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है और इसका मूल्य क्या होता है? निरपेक्ष, मूल्य निरपेक्ष होता है, है ना। इससे विकास युक्त वृद्धि एवं विकास हीन वृद्धि के रूप में भी समझा जाए, यानी वृद्धि विकासयुक्त वृद्धि भी हो सकती है और विकासहीन वृद्धि भी होती है, ठीक है।
अब चलते हैं बच्चों, विकास क्या है। तो विकास और में अंतर पढ़ रहे ना, वृद्धि और विकास पर। विकास में क्या विशेषता है? तो विकास के अंतर्गत गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन सम्मिलित होता है ना। विकास गुणात्मक होता है, वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक। विकास क्या होता है? गुणात्मक होता है। इसका मूल्य निरपेक्ष होता है और विकास का मूल्य क्या होता है? सापेक्ष होता है, है ना। विकास उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि वर्तमान दशाओं में सकारात्मक या धनात्मक परिवर्तन ना हो, है ना। और ऐसा वृद्धि के लिए होना आवश्यक नहीं, वृद्धि में ऐसा नहीं होना आवश्यक है, जबकि विकास के लिए ज़रूरी है कि वर्तमान दशाओं में सकारात्मक या धनात्मक परिवर्तन ना हो, तब तक वो विकास नहीं हो सकता। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों। विकास वृद्धि जो होती है उसको हम दो प्रकार की हो सकती है, एक विकासयुक्त वृद्धि और एक होती है विकासहीन वृद्धि। विकासयुक्त वृद्धि ऐसी वृद्धि जिसमें वृद्धि के साथ साथ विकास होता रहे, तो उसे हम विकासयुक्त वृद्धि कहते हैं। विकासहीन वृद्धि वो होता है जिसमें वृद्धि के साथ, वृद्धि तो हो रही लेकिन वृद्धि के साथ साथ विकास ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विकासहीन वृद्धि। अब जैसे ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, यहाँ नगरीय जनसंख्या जो हाँ एक निश्चित समय अवधि में, है ना, किसी नगर की जनसंख्या जो पहले 100,000 थी वो बढ़कर क्या हो गई? 200,000। यानी नगरीय जनसंख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई। लेकिन अगर नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ अगर वहाँ की आवासीय सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं और अन्य सुविधाओं में वृद्धि नहीं होती है, तो वो क्या होगा? विकासयुक्त वृद्धि नहीं होगा, है ना। तो विकासयुक्त वृद्धि ये कैसी वृद्धि होगी? विकासहीन वृद्धि। क्यों विकासहीन वृद्धि होगी? क्योंकि वृद्धि के साथ साथ बाकी जो सुविधाएं हैं उनमें किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हो रही, इसलिए कैसी वृद्धि होगी? विकासहीन वृद्धि होगी। लेकिन अगर नगर की जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ अगर आवासीय सुविधा, मूलभूत सुविधा या अन्य सुविधाओं में वृद्धि होती है, तो वो क्या होगी? विकास युक्त वृद्धि होती है। तो विकास के लिए ज़रूरी है कि जो वर्तमान की दशाएं हैं इनमें क्या हो? परिवर्तन हो, सकारात्मक या धनात्मक परिवर्तन हो। अगर इनमें परिवर्तन हो रहा है, इनमें वृद्धि हो रही है, तभी वो विकास कहलाएगा, तभी वो कहलाएगा वृद्धि के साथ विकास, यानी विकास युक्त वृद्धि। और इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये बढ़ रहा है लेकिन ये नहीं परिवर्तित हो रहा है, इन दशाओं में परिवर्तन, वो होगा विकासहीन वृद्धि। अब चलते हैं बच्चों मानव विकास। मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्षों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता, अवसरों की उपलब्धता और स्वतंत्रता को सम्मिलित किया जाता है। यानी ये तीन चीज़ें सम्मिलित हैं, है ना। अगर ये तीन चीज़ें मानव के जीवन में हैं तभी मानव का विकास होगा। क्या क्या चीज़ें? जीवन की गुणवत्ता, अवसरों की उपलब्धता और स्वतंत्रता, ये तीन चीज़ें मानव विकास में सम्मिलित की जाती हैं। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन पाकिस्तानी जो अर्थशास्त्री हैं, जिनका नाम क्या है? डॉक्टर मकबूल उल हक। इन्होंने सबसे पहले मानव विकास अवधारणा का क्या किया? प्रतिपादन किया। डॉक्टर मकबूल उल हक ने मानव विकास को इस प्रकार से परिभाषित किया, यानी उन्होंने मानव विकास की परिभाषा जो दी है वो इस प्रकार है। मानव विकास मानव की आकांक्षाओं एवं उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर को विस्तृत करने की क्या है? प्रक्रिया है। यानी इस परिभाषा से ये स्पष्ट है कि विकास का जो केंद्र है, केंद्र बिंदु कौन है बच्चों? मानव है, है ना। विकास का केंद्र, इस परिभाषा के अनुसार विकास का केंद्र बिंदु कौन है? मानव है, है ना। मानव के विकास का मूल उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य है ऐसी दशाएं उत्पन्न करना जिनमें लोग एक सार्थक जीवन क्या कर सकें? व्यतीत कर सकें,
सार्थक जीवन मतलब जिसमें उनकी सारी जो ज़रूरतें हैं, है ना, शिक्षा, जीवन की जो मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, स्वतंत्रता, ये सब उनको क्या हो सके, मिल सके, यानी एक सार्थक जीवन वो व्यतीत कर सके। तो मानव विकास का ये मूल उद्देश्य है कि ऐसी दशा उत्पन्न करना जिसमें लोग एक सार्थक जीवन क्या कर सके, जी सके या व्यतीत कर सके। तो जहाँ तक इस परिभाषा का संदर्भ में मानव विकास को तीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं, है ना, इस परिभाषा के संदर्भ में मानव विकास के तीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पहला पक्ष क्या है बच्चों? दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन। दूसरा है साक्षर एवं ज्ञानवान होना। और तीसरा है आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, है ना। अतः ये तीनों मानव विकास के क्या हैं, केंद्र बिंदु हैं। इनके बिना मानव विकास नहीं है, यानी ये तीनों मानव विकास के क्या हैं, केंद्र बिंदु। अब आता है मानव विकास के स्तंभ। मानव विकास के बच्चों चार स्तंभ हैं। ये चार स्तंभ कौन कौन से, एक इमारत के चार स्तंभ होते हैं ना, उन्हीं चार स्तंभों पर इमारत खड़ी रहती है, उसी तरह मानव विकास के ये चार स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है समता, दूसरा स्तंभ है सतत पोषणीयता, तीसरा स्तंभ है उत्पादकता और चौथा स्तंभ है सशक्तिकरण। तो ये क्या है बच्चों? मानव विकास के चार स्तंभ हैं। तो जिस तरह एक इमारत के लिए चार स्तंभ बहुत ज़रूरी हैं, उसी तरह मानव विकास के लिए भी ये चार स्तंभ क्या हैं, बहुत ज़रूरी हैं। अब इन चार स्तंभों के बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत थैंक्स आपको, और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमसे बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों।